दोस्तों आईपीएल 2023 की हुई रोमांचक शुरुआत। चेन्नई के खिलाफ गुजरात ने रचा इतिहास। गिल के तूफान के बाद राशिद खान और राहुल तेवतिया ने ऐसे जिताया हारा हुआ मुकाबला। जहां दोस्तों बताएंगे आपको मुकाबले की पूरी हाईलाइट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों आईपीएल 2023 की शुरुआत हो चुकी है। क्रिकेट के सबसे बड़े त्योहार की शुरुआत काफी खतरनाक तरीके से हुई। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटन के बीच खेला गया। इस मुकाबले में गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। चेन्नई की ओर से बल्लेबाजी करने ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे की जोड़ी मैदान में उतरी। हालांकि इस मुकाबले में चेन्नई की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही है और जहां ऋतुराज गायकवाड़ ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरे छोर पर डिवॉन कॉनवे एक रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पर मोइन अली 17 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन ठोक दिए। चार खतरनाक चौके और एक छक्का इनके बल्ले से निकला। राशिद खान की गेंद पर रिद्धिमान साहा को अपना कैच थमाकर आउट हुए। मोइन अली के आउट होने से टीम को बड़ा झटका लगा, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ एक छोर पर डटे हुए थे और ताबड़तोड़ अंदाज में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2023 में पहला अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। एक तरफ जहां चेन्नई के विकेट पे विकेट गिर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ डटे हुए थे। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए बेन स्टोक भी 7 रन बनाकर आउट हुए, तो अंबाती रायडू ने 12 रनों का योगदान दिया, तो शिवम दुबे ने 19 रनों की पारी खेली, तो वहीं ऋतुराज एक छोर से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ जोसेफ की गेंद पर गिल को कैच थमाकर आउट हुए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 50 गेंदों का सामना करते हुए 92 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 9 खतरनाक छक्के निकले। गायकवाड़ के आउट होने के बाद जडेजा भी 1 रन का योगदान देकर आउट हुए, तो वहीं टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 14 रनों की नाबाद पारी खेली और इस तरह से चेन्नई की टीम ने पहली पारी में 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए और 179 रनों का लक्ष्य गुजरात के सामने रखा। गुजरात की तरफ से मोहम्मद शमी, अलजारी जोसेफ और राशिद खान को 2-2 सफलता मिली। उसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत बेहद शानदार रही। गुजरात की तरफ से सुमन गिल और रिद्धिमान साहा ने पारी की शुरुआत की। रिद्धिमान साहा 25 रनों का योगदान देकर आउट हुए, तो वहीं सुमन गिल शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। सुमन गिल ने 36 गेंदों में 63 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 6 खतरनाक चौके और 3 छक्के निकले। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन ने 22 रनों का योगदान दिया, तो हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर सके और 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं विजय शंकर 27 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद राशिद खान और राहुल तेवतिया ने अंतिम ओवर में शानदार बल्लेबाजी की और अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर राहुल तेवतिया ने मुकाबला जिता दिया। राहुल तेवतिया 15 रन तो वहीं राशिद खान 10 रन बनाकर नाबाद रहे और इस तरह गुजरात ने पहला मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया।